दोस्तों, सितंबर के पहले हफ्ते में यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा और राजस्थान में बन रहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अनाउंसमेंट्स की। इस दौरान उन्होंने अंबाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि इस प्रोजेक्ट का काम रिकॉर्ड स्पीड पर चल रहा है। गडकरी ने कहा कि 80% पूरे हो चुके इस कॉरिडोर की ओपनिंग मार्च 2022 तक होने की संभावना है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स इसका कंप्लीशन 2023 मार्च भी बताती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या है अंबाला कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर प्रोजेक्ट? आज हम इस वीडियो में इसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। इंडियन गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए डेवलप की गई एक फ्लैगशिप स्कीम है। इस स्कीम का नाम भारतमाला परियोजना दिया गया है। ये देश भर में चल रहे सैकड़ों छोटे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एक अम्ब्रेला स्कीम मानी जाती है। इसी के अंडर दोस्तों, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, कई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, इकोनॉमिक पार्क्स, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। इसका एम है कि इंडिया में लॉजिस्टिक्स और ट्रेड को लेकर अब तक आ रही दिक्कतों को सिग्निफिकेंटली कम किया जा सके और रोड्स, रेलवे नेटवर्क से सीमलेस कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। क्योंकि इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा कोस्टल भी है, तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक दूसरी स्कीम बनाई है जिसका नाम है सागरमाला। अब इन दोनों स्कीम्स और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बीच ट्रांसपेरेंसी और स्मूथनेस बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को गतिशक्ति स्कीम से जोड़ा गया है। गतिशक्ति स्कीम ₹100 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट वाला प्रोजेक्ट है जो इंटर डिपार्टमेंटल डिस्पेरेंसीज, मनी फ्लो में प्रॉब्लम्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन इश्यूज को खत्म करने के एम से बनाया गया है। अंबाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर दोस्तों राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में बन रहे भारतमाला परियोजना के अंडर ही एक प्रोजेक्ट को कहा जा रहा है। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के रूप में बनाया जा रहा है जो भारत के नॉर्थ वेस्टर्न 3 स्टेट्स को इकोनॉमिकली बूस्ट देगा। अंबाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर दोस्तों अंबाला से जयपुर के बीच ट्रेवल टाइम को तो कम करेगा ही, पर दिल्ली को बाईपास करने का एक ऑल्टरनेटिव रूट भी प्रोवाइड करेगा। ये प्रोजेक्ट ₹11,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है जो तेजी से कंप्लीट होने की ओर है। इसकी लंबाई 310 से लेके 315 किलोमीटर के बीच होने की संभावना है जो एक एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। दोस्तों, ये रोड नरनौल से होते हुए नेशनल हाईवे 148B से जोड़ा जाएगा जो इसे आगे जाकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा। जाहिर है कि हरियाणा ही नहीं पर नॉर्थ इंडिया के कई शहर और स्टेट्स को मुंबई से सीधी और सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने स्पेशल पर्पस व्हीकल्स तैयार किए हैं, इसलिए ताकि फंडिंग में दिक्कत ना हो इन कमिटीज के जरिए फ्लो आसान बनाया जाएगा। फंडिंग फाइनेंस और इंडियन हाईवे मिनिस्ट्रीज प्रोवाइड करेंगी और इसके बाद टोल कलेक्शन से गैप फिल किया जाएगा। नितिन गडकरी के मुताबिक रोड के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच रखी गई है और प्रोजेक्ट को इंडस्ट्री फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा ये तो नहीं बताया जा सकता, पर इससे इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी आना तय है। तो दोस्तों, ये थी कहानी अंबाला कोटपुतली ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे और भी वीडियो बनाई जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।